गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान के थिएटर के शलाका पुरुष राम गोपाल बजाज। भीड़ में जब भी जिससे भी मिल जाती हैं आंखें, वही दिख जाता है अंगार सा, भगवान सा, अकेला। क्या बात, वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है यह, सुनो आज तुम भी सुनो, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं कृष्ण सुनो, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध, यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह। राम गोपाल बजाज, जिनकी आधार कार्ड पर उम्र 83 साल है, लेकिन जिनकी तुरशी, जिनके तेवर में कतई कमी नहीं आई, तो सबसे पहले तो आप हमें अपनी जिजी विशा के कुछ सूत्र बता दें। यह जो थरथराहट है स्वर की, यह तो आकाश में है, और इन स्वरों को जब भी सृष्टि में व्यंजन मिला होगा, मैं समझता हूँ कि चिंतन और बातचीत का सिलसिला तब शुरू हुआ होगा। इब्राहिम अलका जी, आपके साथ उनका रिश्ता बड़ा, अलकाजी साहब से बड़ा गुरु नहीं मिला। किस छात्र ने मिस्टर अलकाजी के जाने के बाद मिस्टर अलकाजी को वापस नाटक करने के लिए बुलाया? इट वॉज मी, एंड नॉट टू अब्लाइज हिम, इट वॉज अंडर ऑब्लिगेशन। स्पीच सीखनी है तो आप कख गघ व तथा दधा ना, नहीं कख कख ख ख कख तथा थता थता धा 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 ढा ढा ढा, इरेगुलरली आप तथा दधा ना नहीं, उल्टा भी पढ़िए, जैसे 1 2 3 4, 4 3 2 1, व्यंजन आया तब ना भाषा बनी है, उसके पहले जो कुछ था वह तो स्वर ही स्वर था, कूका ओ हा ओ ओ। कॉमेडी के बारे में बहुत नहीं कह पाऊंगा, पंकज त्रिपाठी ज्यादा आसानी से कर पाएगा क्योंकि वो ये सब कर लेता है। कैसे थे स्टूडेंट? He was a good student. कहीं उसको कोई काम मिलता था तो कहीं जाना है, गायब होना है तो सर वो आज हम रिहर्सल में, हाँ ठीक है तो छुट्टी चाहिए ना। चार्ली चैपलिन के एक्शंस देखिए आप, ये क्या क्या करता है, वो क्या क्या करता है, क्या क्या उलट पुलट करता रहता है, लेकिन आंखें उसकी कैसी खाली सी होती हैं, शून्य होता है उसकी आंख में। आप जब ये बता रहे थे तो मुझे सबसे पहले इरफान की आंखें याद आ रही थी, तलघर नाटक की उस तस्वीर का बड़ा जिक्र होता है जिसमें इरफान, आलोक चटर्जी, मीता वशिष्ठ, वो नाटक आपने डायरेक्ट किया था? हाँ, लोअर डेफ्थ 86 की बात है शायद। राजपाल यादव, संजय मिश्रा और पीयूष मिश्रा, तीनों ही आपके स्टूडेंट अलग अलग टाइम पे रहे हैं। पीयूष मिश्रा कॉमेडियन नहीं है, वो एक बहुत सीरियस किस्म का इंसान है। संजय मिश्रा बहुत बहुत गंभीर व्यक्ति है वह, और राजपाल यादव को तो अपने कद काठी की वजह से उस तरफ जाना पड़ा, लेकिन पापा प्रकाश ने जो उसने रोल किया था रोला दिया था। कमबख्त, तुझे तो सूली पर चढ़ाएंगे, कोई है, कोई है, हुजूर का हुक्म था हवेली में कोई ना हो सो कोई नहीं है, बंदा पहरे पर तैनात था लिहाजा बेवकूफ नालायक। खाकसार दिलगिर है सरकार, दिलगिर सब चौपट कर दिया, रंग जमने को था मर्दू तूने कर दिया बदरंग।